अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया यहाँ पे मेरे पास कीमा है ये देखें बिल्कुल बारीक सा हमने करवाया हुआ है बारीक कीमा आपने भी करवाना है और यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया का पाउडर है ऑयल है हमारे पास और इसके अलावा मेरे पास सिरका है गरम मसाला पाउडर चॉप्ड अनियन बहुत बारीक काटने हैं आपने ठीक है और क्योंकि ये इसके अंदर जाके मैश होने हैं तो इसलिए हमने इसको बारीक काटना है ठीक है तो इसके अलावा हम डालेंगे बीच में जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट एंड देन चॉप्ड टोमेटोस बारीक करने आपने एंड एज़ पर योर टेस्ट सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो ये मेरे पास हाफ़ के जी कीमा था बिल्कुल बारीक आपने कटवाना है मैंने आपको पहले भी बताया था बारीक बारीक करवाना है तो ही ये बहुत मज़े का और ख़ूबसूरत कीमा बनेगा यानी जैसे बारीक बारीक होता है ना रूखा कीमा जिसे लोग कहते हैं तो ये रूखा कीमा बहुत ही मज़े का होता है तो हमें आज रूखा कीमा आपको बनाना सिखा रही हूँ तो ये मैंने डाल दिया है तो इसका जो पानी निकलेगा ना वो हमने सबसे पहले सुखाना है तो आपने बिल्कुल भी, भी रेसिपी को स्किप नहीं करना तो ध्यान से देखना है ये देखें ये इसका पानी निकल रहा है कीमे का अपना तो इसी इसको पहले हम फ्लेम हाई फ्लेम पे इसको कर देंगे ड्राई करेंगे ये देखें ये पानी सारा निकल आया इसको हम इतना पकाएंगे इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए हाई फ्लेम पे कम से कम तीन से चार मिनट लगते हैं और आराम से ये हो जाता है तो इसके अलावा ये मैंने यहाँ पे इसमें हड्डियाँ भी थी मैंने कहा इसमें हड्डी पर डाल दें जरूरी ज़ाया करनी है हड्डी के ऊपर भी थोड़ा सा गोश लगा हुआ था तो ये देखें इसकी जो पिंक पिंक सी थी ना टेक्सचर वो देखें अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है थोड़ा सा वाइटनेस इसके अंदर आ गई है ये मेरे पास बीफ का कीमा था तो ये देखें इसका सारा पानी निकल आया है चमच लाते रहें जले भी ना और क्योंकि अब इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड करना इस टाइम तो कुछ भी ऐड नहीं करना सिर्फ़ इसका पानी हमने खुश्क करना है जैसे ही पानी खुश्क होगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे तो ये देखते रहें ये देख रहे हैं आप कितना सारा कीमे ने पानी छोड़ दिया सो so, ये देखें अब हमारे कीमे ने पानी छोड़ दिया देखो बिल्कुल ड्राई हो गया पानी भी इसके अंदर लोक वगैरह हो गया तो अब हम क्या करेंगे अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चॉप्ड प्याज बारीक बारीक आपने वन मीडियम साइज़ का मैंने लिया आपने बारीक बारीक इसको काट लेना और इसमें शामिल कर देना और इसको और इसके अलावा जो मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड मैं इसमें टोमेटोज डालूँगी ये भी वन मीडियम साइज का मेरे पास था मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया सो so, अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लें ये बहुत ही झटपट कीमा है और ये पाँच से दस मिनट में तैयार हो जाता है दस पंद्रह मिनट में तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है ये झटपट कीमा की मैं आपके आपके सामने रेसिपी लेकर आई हूँ सो so, अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल वन कप आप घी भी ले सकते हैं तो अब मैं इसका चम्मच लाती जाऊंगी अच्छे से इसी घी में हम इसको सारे कीमे को पकाएंगे झटपट कीमा इसको अच्छे से मिक्स करना है ये जो इसके प्याज़ वगैरह हैं और ये हैं टमाटर के हो जाएं यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट है वन टीस्पून आपने इसमें डाल देनी है इसमें ज़्यादा भी ना कीजिएगा वरना ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा अच्छा तो इसके अब मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट टू टेबल स्पून भर के आपने डालने हैं इसके अंदर ऐड कर देने हैं मिक्स इट वेल कर दें इसे देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ कि बिल्कुल अभी भी ये रूखा रूखा की मैं Now, इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट सूखा धनिया पाउडर वन टीस्पून ऐड कर दूंगी इसमें चम्मच हिलाते जाएं साथ साथ लगे ना साथ में टमाटर को भी आप मैश करते जाएं नाउ वी आर गोइंग टू ऐड टर्मरिक पाउडर वन फोर टी स्पून विनीगर वन टी स्पून विनीगर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर स्मेल ना आए और यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है ये वन टी स्पून दही हम डालेंगे इसमें हाफ कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका मज़ेदार सा खट्टा खट्टा जायका आए और जो विनीगर हमने इसमें डाला है वो इसलिए हमने इसमें डाला ताकि इसमें कोई छान वगैरह ना आए और अब इसमें मैं हाफ़ कप पानी डाल के इसको ढक दूँगी ताकि ये जो इसमें कच्चापन है वो मिक्स हो वो सॉरी कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए और ये गल जाए अच्छे से और इसके अलावा जो ये टमाटर डाले हैं वो भी अब इसे हम पाँच मिनट के लिए रख देंगे जी तो ये पाँच मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है कितना मज़ेदार सा खूबसूरत सा टेक्सचर इसका आ रहा है इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी हम खुश्क कर लेंगे हाई फ्लेम पे ये देखें बिल्कुल ज़रा ज़रा दाना दाना अलग है इस कीमे का और लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं और ये झटपट कीमा है घी भी इसमें देखें बिल्कुल सही है जिस इसमें जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये अजीब सा इसका टेक्सचर हो जाएगा ये फिर ये इस तरह से रूखा कीमा नहीं बनेगा इसमें इसलिए हमने वन कप ही डाला है आप हाफ कप भी डाल सकते हैं अगर आपको कम ज़्यादा घी नहीं पसंद तो ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर सा है ज़र्रा ज़र्रा इसका अलग है ये देखें बिल्कुल हमारा ये डन हो चुका है और हाई फ्लेम पे जिसका थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने खुश्क कर लिया इसे मिक्स कर दूँगी नाव वी आर ऐड गरम मसाला वन टी आप एंड में डालिएगा वरना थोड़ा सा कीमा काला सा हो जाएगा आपको पता है गर्म मसाले से काला हो जाता है सो so, अब भी हमारा बिल्कुल डन है ये आप देख सकते हैं कितना ख़ूबसूरत इसका टेक्स्चर आ रहा है और ये खाने में और भी मज़े का है तो अब मैं इसे प्लेट में डालती हूँ डिश आउट करके अब मैं आपको दिखाती हूँ नाउ मैंने इसे लेमन के साथ मैंने इसे गार्निश किया और अदरक के स्लाइसिस के साथ और ख़ूबसूरती के लिए थोड़ा सा और गार्निश के लिए मैंने ऊपर से धनिया लगा दिया आप इस पर गर्म मसाला डाल के इसको इंजॉय करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचे अल्लाह हाफिज़